छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को मैदान से उतारा है। आज रमन सिंह और करुणा शुक्ला दोनों ने ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आज नामांकन के आखिरी दिन राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। रमन सिंह के साथ उनकी पत्नी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। रमन सिंह ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर नामांकन फॉर्म जमा किया। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी करुणा शुक्ला ने भी राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्चा दाखिल किया। कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 65 यहाँ अवश्य पाएगी और जनता में जो उत्साह है रुझान दिखाई दे राहुल गांधी को स्वयं चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस के नेता नहीं कर बाहर अरे धक्का मत दो यार। ये चलो पकड़ लीजिए अमित शाह जी के एक विकास को लेकर जा रहे हैं, इसलिए राजनांदगांव में इस बार 100% उम्मीद है। हमारे संवाददाता संजीव पचौरी ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद करुणा शुक्ला पहली बार राजनांदगांव पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करुणा शुक्ला का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश सरकार और रमन सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि रमन सिंह भ्रष्टाचार की सरकार है। रमन सिंह मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हो, जिसने 10 वर्ष से इस राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व करके इस राजनांदगांव के लिए कुछ नहीं किया हो, चौथी सरकार बनाने के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर झूठे आंसू बहा रहे हैं, आज उनकी ही भतीजी उनको चुनौती देने के लिए आई है। करुणा शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हो, जिसने 10 साल से राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद कोई विकास नहीं किया हो, चौथी बार सरकार बनाने के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर झूठे आंसू बहा रहा हो, आज उनकी ही भतीजी उन्हें चुनौती देने आई है। करुणा शुक्ला ने कहा, 34 वर्ष मैंने भाजपा में ईमानदारी से काम किया, लेकिन उनकी बेईमानी की वजह से मैंने भाजपा छोड़ी है। क्या है पूरी खबर? एक ही विधानसभा सीट से रमन सिंह और करुणा शुक्ला, अटल बिहारी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी ने एक फॉर्म नामांकन फॉर्म दाखिल कर लिया। इस पर पूरी खबर पर जानकारी लेने के लिए हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी से हम बात करेंगे। संजीव जी, पूछना चाहूंगी आपसे कि विधानसभा क्षेत्र से रमन सिंह और करुणा शुक्ला जी ने नामांकन दाखिल कर दिया, अब कैसी राजनीति वहां नजर आ रही है? देखिए, बता दूं आपको कि राजनांदगांव अब राजनीति का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन गया है। बिल्कुल, क्योंकि रमन सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, रमन सिंह जी के खिलाफ किसको चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री सामान्यतः मुख्यमंत्री कहीं से हारता नहीं, ऐसा बहुत कम हुआ होगा। तो एक ऐसा चेहरा ढूंढा जा रहा था जो कि कहीं ना कहीं इमोशनली इसको कैश कराया जा सके, उसके लिए उन्होंने एक करुणा शुक्ला को ढूंढा है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी है, भाजपा में रह चुकी है। हालांकि वो काफी लंबे समय से कांग्रेस में भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी, तो उनको एक राजनांदगांव भेजा गया है चुनाव लड़ने के लिए, जो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बलि का बकरा जैसे कहते हैं। संजीव जी, क्या करुणा शुक्ला रमन सिंह के सामने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी हैं, बड़ा हथियार नहीं बन पाएंगी? नहीं, बता दूं आपको मैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक अपना बहुत बड़ा आभार है और आज भी स्थिति वही है। करुणा शुक्ला जब तक भारतीय जनता पार्टी में थी उनका एक मान सम्मान था और अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी होने के कारण एक मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो मिलता था उनको। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस में आ गई हैं, तो कांग्रेस पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी जी को जोड़ के, उनके परिवार को जोड़ के मतदाता और आम लोग नहीं देखते हैं। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया संजीव जी। संजीव जी ने जैसा बताया है कि करुणा शुक्ला को बराबर सम्मान भाजपा में मिलता रहा, लेकिन फिर भी वो चूंकि पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आई हैं, लेकिन बहुत बड़ा हथियार इसलिए नहीं बन पाएंगी रमन सिंह के सामने, क्योंकि रमन सिंह वहां पर बड़ा कद रखता है भाजपा छत्तीसगढ़ में।